नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे IDBI असिस्टेंस मैनेजर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ 2019 के कट ऑफ को देखेंगे, 2017 के कट ऑफ को देखेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको इस वर्ष कितना मेहनत करना होगा। 2021 में अगर आप IDBI असिस्टेंस मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको कितना स्कोर करना होगा कि आप एक क्वालिफाई हो जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एग्ज़ाम 200 नंबर का है और यहाँ पे टोटल चार सेक्शन होते हैं, इंग्लिश रीजनिंग क्वांट और बैंकिंग अवेयरनेस से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा, अगर इंग्लिश में देखिएगा इंग्लिश 40 नंबर, रीजनिंग 60 नंबर, क्वांट 40 नंबर और सबसे ज़्यादा यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस 60 नंबर का पूछा जाता है। मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा गुड अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ देखिएगा ओवरऑल कटअप देखिएगा 200 में से 141 नंबर ओवरऑल कटअप देखने को मिला। यहाँ देखिएगा अगर आप इंग्लिश में देखिएगा 18 नंबर, रीजनिंग में देखिएगा 60 में से 34 नंबर, क्वांट में देखिएगा 40 में से 17 नंबर और बैंकिंग में देखिएगा 14 मार्क्स गया 60 में से, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस का कटअप कम है। बाकी सब कैटेगरी का आप देख लीजिएगा सेक्शनल कटअप, बाकी सब कैटेगरी का सेक्शनल कटअप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। EWS UR कैटेगरी का सेम सेक्शनल कटअप गया, तो सेक्शनल कटअप ला के आप कभी क्वालिफाई नहीं हो सकते, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ देखिए SC कैटेगरी का 123 नंबर, ST कैटेगरी का देखिएगा 111 नंबर, OBC का 132 नंबर और वहीं पे बात करें यहाँ पे हम EWS का तो 133 नंबर गया, ठीक है। लगभग 70% कटअप गया अगर आप IDBI असिस्टेंस मैनेजर बनना चाहते हैं तो। लेवल कैसा होगा, कलर्ड के लेवल का क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट कम मांगा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन भी लेवल यहाँ आसान होगा। अब बात करते हैं 2017 के कटअप को देख लेते हैं, क्योंकि 2019 में एग्जाम हुआ था, 2017 में एग्जाम हुआ था, अब 2021 में एग्जाम होगा, तो 2 साल का यहाँ गैप हो गया है। UR कैटेगरी का देखिएगा इंग्लिश में 7 नंबर है, रीजनिंग में 13 नंबर है और क्वांट में 11 नंबर और बैंकिंग में 12 नंबर। टोटल यहाँ पे 75 मार्क्स गया था, 76 मार्क्स गया था ओवरऑल, मैं बता देता हूँ 76 मार्क्स गया था 200 में से। देख सकते हैं कितना कम गया था, बट इस साल इतना कम नहीं जाएगा। OBC का गया था 74 नंबर, ST का गया था 48 नंबर और SC का गया था 64 नंबर, ठीक है ना। तो और बाकी सब कैटेगरी का सेम है, देखिएगा 4.25 इंग्लिश में गया था OBC का, रीजनिंग में 8.75, 8 नंबर क्वांट में और 7.25 बैंकिंग अवेयरनेस में, तो यही कटअप गया था। अब हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है, जो मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट होना चाहिए विथ एक्यूरेसी। अगर आपका 140 कटअप जा रहा है तो आपको 160 क्वेश्चन बनाना चाहिए, कम से कम 160 क्वेश्चन बनाना चाहिए। ये 160 मैंने गलत जगह लिख दिया, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ। 160 नंबर आपको चाहिए कम से कम, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया 160 नंबर आपको चाहिए, अगर इस बार 160 अटेम्प्ट चाहिए, ध्यान दीजिएगा 160 अटेम्प्ट होना चाहिए। और आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 140 है ना, तो 145 भी होगा तो मुझे लगता है कि 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे 145 पे। 145 से बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 140 145 लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आप पे का कम भी जा सकता है, 140 से कम भी जाएगा, बट लास्ट ईयर के कटअप से आप ज़्यादा ही लाने का सोचिए, क्योंकि लास्ट ईयर अगर 140 गया तो इस साल भी उसी के आसपास कटअप जाने का उम्मीद है, बट मुझे फील होता है कि कटअप कम जाने वाला है इस साल। मुझे जहाँ तक लगता है कि 136 के आसपास रह सकता है कटअप इस साल जनरल कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। ये मैंने अपना प्रेडिक्शन आपको दे दिया, बट आप कोशिश कीजिएगा कि 160 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, कम से कम 160 क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी बनाने का कोशिश आपको करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा IDBI कि असिस्टेंस मैनेजर के बारे में तो आपको मैं सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।